देखो बेटा, ये सवाल कितना अच्छा है। इसमें कह रहे हैं कि आपके पास एक वुडन बॉक्स है और आपके पास बंदूक की गोली आके टकराती है वुडन बॉक्स। उस समय इसकी वेलोसिटी यू होती है और ये पेनेट्रेट करती हुई चली जाती है, जाहिर सी बात है। जब ये 24 सेंटीमीटर से बाहर निकलती है बॉक्स के अंदर ही, तब इसकी वेलोसिटी U/3 हो जाती है। Am I right? कह रहे हैं कि जब ये बॉक्स के अंत में, बिल्कुल एंड में पहुंचती है, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है एंड में। कह लगे ऐसे सूरत हाल में बॉक्स की टोटल कितनी लेंथ है बताइए। आपने कहा सर आधी, तो आपने काम हल कर दिया, कह दिया 24 है, ये अगर हम निकाल लें तो हमारा काम बन जाए। 24 में एक्स को जोड़ देंगे, उतनी ही आपकी लेंथ हो जाएगी। आपने कहा इसको निकालना अच्छा है, जब अंदर जा रही है रिटार्डेशन हो रहा है, -2ax हो जाएगा, ये भी आपको मालूम है, अंत में जाके 0 हो जाती है। और जब इस सेक्शन यानी एक्स में चली है तो U/3 हो गया। ए नहीं मालूम है, ए पता चल जाए तो आप एक्स निकाल लेंगे। ए आप इस सेक्शन से निकाल लीजिए बड़े आराम से, यही फार्मूला लगा दिए। कहीं सर रिटार्डेशन हो रहा है, हमने कहा हाँ भाई साहब बिल्कुल हो रहा है, ठीक। वेलोसिटी फाइनल क्या हो गई थी, कह लगे U/3 हो गई थी। इनिशियली हमारी U से शुरू हुई थी, ए निकालना है, X जो है वो 24 सेंटीमीटर चला है, क्योंकि यहाँ डेटा जो है वो ये मान के चलिए कि सेंटीमीटर भी चलना है, क्योंकि ए निकालना है उसी को उठा के रख देंगे, यहाँ एक सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ये मान के चल रहे हैं नीट 23 है, वहां पे आप ऐसे ही करेंगे तो 2a × 24। बस ध्यान रखिएगा किस जगह हमको बदलना अनिवार्य हो जाएगा यूनिट का और किस जगह बदलना नहीं होगा, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। U²-U²/ कर दें तो ये हो जाएगा 9, ठीक। यहां अगर मीटर में यू दिया होता तो भाई साहब बहुत जिम्मेदारी से हम कह रहा हूं कि आपको 24 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना अनिवार्य हो जाता, क्योंकि यहां पे कोई मीटर और यूनिट दी नहीं है, इसलिए आप अपना काम आसानी से कर रहे हैं। 9 हो गया तो 9 में से 1 गया, 8 हो गया। एम ए राइट, बस आपको मिल गया 2a चाहिए था, ये इधर ले आइए, 24 हो गया। बस आपने कहा सर 2a × x = U²/9 हो गया। 2a की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2a की जगह आप लिख सकते हैं 8U²(9×24x) U²/9। एम आई राइट, U से U उड़ा लीजिए, 9 से 9 उड़ा लीजिए, 8³ कर लीजिए, यानी आप कह सकते हैं कि सर x/3=1। 0 ना कर दीजिए काट के, डिवीजन है सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो x = कितना हो गया 3। तो बस, और चूंकि आपने यहां सेंटीमीटर बदला नहीं था, आप बड़ा खुश थे, आपने कहा कि सर हमारा d एक झटके में निकल आया, 24+x जो कि 3 था, यानी 27 सेंटीमीटर है कोई। यस, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन।